की रेत में ना जाने कितने खजाने और प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष और दफने हुए राज छुपे हैं, जिसे खोजने के लिए दुनिया भर के रियल लाइफ लारा क्रॉफ्ट और इंडियाना जोन्स दिन रात प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी की। हमारे प्राचीन विश्व के रहस्यों को जानने की खोज में आर्कियोलॉजिस्ट अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर रुख कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट विशाखा ठाकुर और आज की इस खास स्टोरी में हम देखेंगे कि आर्कियोलॉजी में कैसे AI एक अहम भूमिका निभाकर दफने हुए अवशेषों के उत्खनन, जांच पड़ताल और उसकी व्याख्या के तरीकों में क्रांति ला रहा है। आर्कियोलॉजी जैसे गहन विषय को लोकप्रिय बनाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ स्टीवन स्पीलबर्ग का रहा है, जिनकी इंडियाना जोन्स एक्शन एडवेंचर फिल्म सीरीज में हॉलीवुड के महानायक हैरिसन फोर्ड एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर के रोल में प्राचीन सभ्यता के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाते हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने AI की मदद से 2000 साल से भी पुराने आलेख का भाषांतर किया। तो चलते हैं आज से तकरीबन 2000 साल पहले के ग्रीक शहर पोम्पे की तरफ, जो बसा था विश्व के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस की गोद में। दौर था 79 एनो डोमिनी का, जब अचानक माउंट वेसुवियस का ज्वालामुखी में हुए प्रचंड विस्फोट से 33 किलोमीटर की ऊंचाई तक पत्थरों, राख और वॉल्केनिक गैसेस का एक काला बादल फैल गया और लावा की उमड़ती लहरों के नीचे दब गए पोम्पे, हर्क्यूलेनियम, ओप्लॉन्टिस और स्टेबिए जैसे कई शहर। वेसुवियस के लावा के नीचे दफनी हुई रोमन सभ्यता के अवशेषों को खोजने के लिए अमेरिकन टेक इन्वेस्टर और गिटहब के CEO नैट फ्रीडमैन ने मार्च 2023 में $700,000 के प्राइस वाले वेसुवियस चैलेंज की घोषणा की थी। प्रॉब्लम ये थी कि 2000 साल से दफना हुआ आलेख इतना जीर्ण हो गया था कि उसे खोलते ही वो खराब हो सकता था। लेकिन यूसुफ नेडर, ल्यूक फेराइटो और जूलियन शिलिंगर ने मिलकर AI की मदद से आलेख को खोले बिना ही उसके अंदर की लिपि को पढ़ने का तरीका खोज निकाला। आलेख में लिखी प्राचीन ग्रीक लिपि का भाषांतर करने के लिए उन्होंने एक्सरे, सिटी स्कैन और AI के मशीन लर्निंग का उपयोग किया, जिससे पता चला कि इस आलेख में जीवन को सुंदरता, संगीत और मजेदार खाने जैसी भौतिकता के साथ कैसे जीना चाहिए, इस बारे में ग्रीक फिलोसोफर फिलोडेमस की टिप्पणियां थी। AI के सहयोग से आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में एक नई चेतना आ गई है। अब AI संचालित ड्रोन्स आर्कियोलॉजिकल क्षेत्रों की कुशलतापूर्वक जांच करने में मदद कर रहे हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे हम अतीत की गहराई में उतर रहे हैं, आर्कियोलॉजी के साथ AI का समन्वय मानव इतिहास की कहानी को फिर से लिख रहा है। प्राचीन सभ्यताओं की खोज से लेकर पुराने अवशेषों के पुनर्निर्माण का प्राचीन लिपियों के भाषांतर करने तक AI हमारे प्राचीन दुनिया को खोजने और समझने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। क्या पता एक दिन ऐसा भी आएगा जब AI की मदद से इजिप्ट के पिरामिड से जुड़े रहस्यों से लेकर डूबी हुई सोने की द्वारिका के तथ्यों को हम समझ पाएंगे। तब तक देखते रहिए 3.0 TV, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड।